दोस्तों इस जादूगर ने अपनी पत्नी को गलती से जिंदा ही काट दिया। उसे इस मैजिक को इस बॉक्स के साथ करना था। जादूगर अपनी पत्नी को उस बॉक्स में लिटाता है। बारी थी पहले चैलेंज की जिसमें पेट को आधा काटना था। उसने काट दिया, यहाँ तक नो प्रॉब्लम। लेकिन उसके बाद उसकी वाइफ जोर जोर से चिल्लाना शुरू करती है और अपने हाथों को जोर जोर से हिलाती है और सिग्नल देती है, क्योंकि वो उस बॉक्स में अटक गई थी, वो बाहर नहीं निकल पा रही थी। उसका हस्बैंड वहां चल रहे शोर शराबे की वजह से कुछ नहीं सुन पाया और साथ ही में उसकी वाइफ के मुंह पर पट्टी बंधी हुई थी। जादूगर को लगा कि उसकी वाइफ बाहर खिसक गई होगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि जो वो गला काटने जा रहा है वो नकली नहीं बल्कि उसकी वाइफ का असली गला था। तो जैसे ही मैजिशियन चेनसो से उसका गला काटने लगता है तो मांस के टुकड़े खून के साथ स्टेज पर गिरने लगे, और जैसे ही लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है तो मैजिशियन समझ गया कि कुछ तो गलत हुआ है। तो जैसे ही उन्होंने बॉक्स खोला तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसकी वाइफ का गला धड़ से अलग हो गया था और हर तरफ खून ही खून था। जादूगरी में गलतियां होना एक आम बात है। अब इन भाई साहब को ही ले लीजिए, टेबल पर जो गिलास पड़े हुए हैं उनमें पानी भरा हुआ था, लेकिन उसमें से एक में तेजाब भरा हुआ था। तो इसने कुर्सी पर बैठे जज को बुलाया और कहा, मैं अपनी आंखें बंद करता हूं, तुम इन गिलास की पोजीशन को चेंज कर दो, मैं सारे गिलासों को पीऊंगा, लेकिन लास्ट वाला गिलास तेजाब का मैं यहीं पर छोड़ दूंगा और मुझे अपने आप पता चल जाएगा कि तेजाब किस में है। अब आगे सुनो। तो जज स्टेज पर आता है, वो सभी गिलासों की पोजीशन को चेंज करता है, बस तेजाब वाले गिलास को छोड़कर वो उसे हाथ भी नहीं लगाता, जैसे का तैसा ही पड़ा रहने देता है। और अब बारी थी ये जादूगर भाई साहब की। अब इसे पानी वाले हर गिलास को पीना था, बस तेजाब वाले को छोड़कर। तो ये उन गिलासों से पानी पीना शुरू करता है, लेकिन गलती से ये तेजाब वाले गिलास को उठाकर उसे भी पी लेता है। बाद में ये सबके सामने ऐसे रिएक्ट करने लगता है जैसे मानो कि कुछ हुआ ही ना हो, और उसने वो चैलेंज कंप्लीट कर लिया, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया कि उसने तेजाब पी लिया है। फिर आगे क्या होना था आपको बताने की जरूरत नहीं। लेकिन अब चलते हैं उस सच्ची घटना की ओर जिसे सुन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को आप अपनी आंखें बंद करके देखिए, जब खोलनी होगी मैं अपने आप बता दूंगा। हमारे समझाने का तरीका ही कुछ इस तरह का है कि आंखें बंद होने के बावजूद भी सारे विजुअल्स आपका दिमाग खुद बनाएगा, जो भी मैं बोलूंगा सारी फुटेज आपके दिमाग में अपने आप बनती जाएंगी। बाकी जिन्हें आंखें खोल के वीडियो देखनी है मोस्ट वेलकम। लेकिन आंखें बंद करने वाले सबसे पहले इन कैरेक्टर्स के नाम सुनते जाएं। ये हैं जादूगर हैरी हुडिनी और इस जादूगर का नाम है जो बोरिस। तो चलो आज की सच्ची कहानी शुरू करते हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। क्लोज योर आईज। 27 जनवरी 1908, मिजूरी यूएसए में एक 34 साल का आदमी अपने हाथों पर हथकड़ी बांधे थिएटर की स्टेज पर एक पर्दे के पीछे से निकलकर चिल्लाती हुई ऑडियंस के सामने आता है, और ये इस बंदे की पहली लाइव परफॉर्मेंस थी। लेकिन वो बिल्कुल भी नर्वस नहीं लग रहा था, और उसके पास उसके बिल्कुल साइड में एक बड़ा सा कैन जैसा कंटेनर था जो कि पानी से लबालब भरा हुआ था। फिर दर्शकों ने ताली बजाना बंद कर दिया और शांत हो गए और अपनी सीटों पर जाकर बैठ गए। स्टेज पर खड़े उस बंदे ने पानी से भरे कंटेनर को अपने सामने किया और फिर एक छोटी सीढ़ी के सहारे उस कंटेनर पर चढ़ गया, जिसके बाद उसने सबसे पहले तो अपने पैर अंदर डाले और फिर खुद पूरा उसमें चला गया। उसके अंदर जाते ही एक्स्ट्रा पानी बाहर निकलकर स्टेज पर गिरने लगा। उसके बाद ऑडियंस सिर्फ उसके फेस को ही देख पा रही थी। इस आदमी ने अपने असिस्टेंट को देखा और उसे इशारे से सिग्नल दिया कि मैं तैयार हूँ। असिस्टेंट भी उसकी बात समझ गया। वो भागा भागा स्टेज पर पड़े उस कंटेनर के पास आता है और उस कंटेनर के ढक्कन को ऊपर से बंद कर देता है, जिससे अब उस मैजिशियन का सर पानी में पहुंच जाता है। ये देखते ही दर्शकों की सांसें मानो जैसे रुक सी गई थी। लेकिन वो असिस्टेंट वही नहीं रुका, उसने उस कंटेनर को चारों तरफ से 6 ताले लगा दिए ताकि वो मैजिशियन वहां से बाहर ना निकल पाए, और फिर उस कंटेनर को उसने एक काले पर्दे के पीछे छिपा दिया, जिसके बाद कोई भी स्टेज पर नहीं आया और ना ही किसी ने उन लॉक्स को खोला। 2 मिनट बीत गए थे और लोगों में भी अब घबराहट होना शुरू हो गई थी। लेकिन जैसे ही ऑडियंस में शोर बढ़ा तो उस पर्दे को साइड पर हटाया जाता है, तो देखने को मिलता है कि वो 34 साल का मैजिशियन हथकड़ियों को अपने हाथ में पकड़े बहुत ही आराम से उस कंटेनर के पास खड़ा था, लेकिन उस कंटेनर पर अभी भी ताला लगा हुआ था। और इस ग्रेट मैजिशियन का नाम था हैरी हुडिनी। उसके जीते जी कोई भी नहीं पता लगा पाया कि उसने ये
जादू कैसे किया, यानी इस ट्रिक को कैसे किया, और इन्हीं स्टंट्स ने हैरी हुडिनी को फेमस कर दिया था और उसे आज भी इन्हीं स्टंट्स के लिए जाना जाता है, जबकि उसकी मौत को 100 से भी ज्यादा साल बीत चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो इन स्टंट्स को सक्सेसफुली करने में सक्षम था, वो वास्तव में उसका एटीट्यूड था जिसकी वजह से लोगों ने उसे इतना पसंद किया। वो इतना नीडर था कि वो किसी भी स्टंट को करने के लिए तैयार हो जाता था। लेकिन ये भी अधूरा सच्ची था, क्योंकि उसकी जिंदगी में एक ऐसा स्टंट भी था जिसे करते वक्त उसके तोते उड़ गए और उसके असिस्टेंट को उसे बचाना पड़ा था, और जिसके बाद उसने मुड़कर दोबारा उस स्टंट को करने का पंगा नहीं लिया, कभी भी नहीं। और दशकों तक किसी में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि उस स्टंट को कर पाए। मेरा मतलब, अगर ग्रेट मैजिशियन हुडिनी ही उसे नहीं कर पाया तो इस दुनिया में उसे और कोई भी नहीं कर पाएगा। खैर, मुझे भी यही लगा था। लेकिन सन 1990 में एक 32 साल का बहुत ही साहसी बंदा जिसका नाम था जो बुरिस, उसने फैसला लिया कि वो उस स्टंट को करेगा जिसे हुडिनी भी नहीं कर पाया। अब वो मैं करूंगा जी। जो बुरिस कैलिफोर्निया का रहने वाला था और अपना गुजारा बच्चों को मैजिक दिखा दिखा कर करता था। लेकिन उसका ये मानना था कि एक दिन अगला हुडिनी वही होगा। वो तो अपने घर वालों को ये भी कहता था कि ना सिर्फ वो नेक्स्ट हुडिनी बनेगा बल्कि उसको भी पीछे छोड़ देगा, उससे भी बेहतर होगा। तो उस साल उसने फैसला लिया कि अब अपने सपने को रियलिटी में बदला जाए, और ये करने के लिए उसे वही स्टंट परफॉर्म करना होगा जो हुडिनी ने अधूरा छोड़ दिया था। 31 अक्टूबर सन 1990 हेलोवीन की रात को जो बुरिस अपने दो बच्चों के साथ और अपने पेरेंट्स के साथ फ्रेसनो के एक अम्यूजमेंट के पार्क पर पहुंचता है। उसका पूरा परिवार एक व्हाइट कलर की लैमोजिन से निकलता है और वो भीड़ को चीरते हुए स्टेज की ओर बढ़ने लगते हैं। और जब लोगों ने देखा कि जो बुरिस उन्हीं की ओर आ रहा है तो भीड़ उसके लिए तालियां बजाने लगी, क्योंकि जो स्टंट वो करने जा रहा था वो उसने बहुत ही ज्यादा एडवर्टाइज किया हुआ था। हर तरफ हल्ला मचा दिया था कि हुडिनी को भी पिछाड़ देंगे, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा भीड़ वहां उसका स्टंट देखने के लिए आ पहुंची और एक तरह का तमाशा सा बन गया था। यही नहीं, इस करतब को टीवी पर लाइव भी दिखाया जाने वाला था और हवा इतना था कि रेडियो चैनल वाले भी पीछे नहीं हटे, वो भी अपनी लाइव कमेंट्री करते रहे। जब जो बोरिस और उसकी फैमिली इस भीड़ के सामने आ जाते हैं तो जो आगे बढ़ता है और मंच पर चढ़ जाता है। सबसे पहले तो वो अपनी स्पीच लोगों को देता है जिसमें वो लोगों को बताता है कि वो इस स्टंट को कैसे परफॉर्म करने वाला था और कैसे वो इसको करने के बाद अगला हुडिनी बनने वाला था। जिसके बाद वो अपनी असिस्टेंट की ओर देखता है और इशारे से वो उनको बताता है कि अब वो इस स्टंट को करने के लिए रेडी है। सभी लोगों और सभी कैमरास की आंखें बस जो बोरिस की ओर ही टिकी हुई थी। तभी जो के असिस्टेंट उसका इशारा पाकर उसकी ओर बढ़ते हैं और जो को चेन से लपेट देते हैं, और उसके बाद वो जो बोरिस को उठाकर एक प्लास्टिक के कंटेनर में रख देते हैं जो कि बिल्कुल एक कॉफिन की तरह था और बिल्कुल कांच जैसा था, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, जिसके आर पार हम जो बुरिस को लेटा हुआ देख सकते थे। फिर असिस्टेंट उस कॉफिन को 7 फीट गहरे गड्ढे में नीचे ले जाते हैं। अब इशारा मिलते ही उस गड्ढे को रेत से भरना स्टार्ट करना था, यानी उसको जिंदा दफनाना था। हुडिनी ने भी इस स्टंट को करते वक्त अपनी जान को जोखिम में डाला था, वो बहुत ही मुश्किल से बचा था। अगर उस दिन हुडिनी के असिस्टेंट उसे ना बचाते तो उसकी उसी दिन विकेट गिर जाती, यानी मर जाता। दूसरी ओर जो बुरिस ने एक साल पहले किसी तरह का प्रैक्टिस स्टंट किया था जो कि थोड़ी मिट्टी के साथ था, जिसमें वो बाहर निकलने में सफल रहा था, इसलिए वो काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहा था। लेकिन स्टेज पर इतनी चकाचौंध देख और टीवी वालों के कैमरा देख अपने जो भाई फूल गए और उसने सोचा कि यही टाइम है अपने आप को हुडिनी से भी बेहतर दिखाने का। इसलिए उसने फैसला लिया कि वो 3 फीट ही रेत यूज में लेगा और उसके ऊपर 4 फीट गीला सीमेंट डालेगा। और उसकी ये बात सुन टेलीविजन और रेडियो वालों ने जो को कहा कि भाई ये बहुत ही बुरा आइडिया है, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, अभी यहीं पर रुक जाओ। लेकिन जो बोरिस कहां किसी की सुनने वाला था। उसने कहा, मुझे पता है मैं क्या करने जा रहा हूँ। जब जो बुरिस 7 फीट के गड्ढे में पहुंचा तब वो अपने असिस्टेंट की ओर देखता है और उन्हें सिग्नल देता है कि वो दफनाए जाने के लिए रेडी है, जिसके बाद उसकी टीम बड़ी ही खुशी से मिट्टी को गड्ढे में भरने लग जाती है। अभी 1 मिनट ही हुआ था कि जो की टीम मेंबर्स को जो बुरिस के चिल्लाने की आवाज रेत के नीचे से आने लगती है, तभी उन्होंने वो उसी वक्त रोक दिया और एक टीम मेंबर गड्ढे में कूद गया। पड़ी हुई मिट्टी साइड पर करने के बाद उसे जो बुरिस दिखाई दिया, वो जिंदा था लेकिन बहुत ही डरा हुआ भी था, जिसके बाद असिस्टेंट की मदद से वो वहां बैठ जाता है और उसे बताता है कि उसके गले वाली चैन बहुत ही टाइट है, तुम इसे थोड़ा सा लूज कर दो। लेकिन अब सामने से देख रहे लोग जो उसकी ओर ताड़ रहे थे उन्होंने भी ये सुन लिया, लेकिन उन्हें समझ आ गया कि बात वो नहीं है जो कि जो बुरिस कह रहा था। गले में बांधी चेन तो ठीक ही थी, लेकिन उन्हें ये समझ आ गया था कि जो बुरिस ने अब बहुत बड़ा पंगा ले लिया है जिससे अब वो चाह कर भी पीछे नहीं
घटेगा, क्योंकि ये स्टंट जो बुरिस की कल्पना से भी परे का था, जिसका एहसास अब उसे होने लग गया था। लेकिन फिर भी वहां खड़े लोगों ने उसे कहा कि या कोई बात नहीं, अगर नहीं हो रहा है तो छोड़ दे, पर तू अपनी जान जोखिम में मत डाल, ये एक बहुत ही बुरा आइडिया है, इससे किसी का भी भला नहीं होने वाला, बल्कि इसमें तुम्हारा ही नुकसान होगा। लेकिन जो बुरिस कहां किसी की सुनने वाला था, वो खुद को संभालता है और लोगों को कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूं, बस नेक चेन ही प्रॉब्लम कर रहा था, बाकी सब चंगा सी। फिर उसके स्टाफ ने चेन को एडजस्ट करके उसे कॉफिन में बंद करके गड्ढे में डाल दिया और फिर से यही प्रक्रिया शुरू होती है। पहले 3 फीट रेत डाली गई। अब आपको जो मैं चीज बताने वाला हूँ उससे सुन आप भी हैरान हो जाओगे। रेत को डालने के बाद ट्रक से उसके ऊपर 4 फीट सीमेंट डाल दिया गया। जब गड्ढा पूरी तरह से भर गया तब दर्शक, जिनमें जो की खुद की फैमिली भी थी, वो सब आगे की ओर आए और उस भरे हुए गड्ढे को निहारने लगे, इसी इंतजार में कि जो बुरिस जल्दी ही बाहर आएगा। लेकिन जब लोग इस होल को देख ही रहे थे और टीवी वाले भी अपने कैमरा से फिल्मा ही रहे थे कि तभी सीमेंट एकदम से करीब 1 फीट जमीन में धस गया। हुआ यह था कि करीब 7000 किलो का वजन पड़ने पर कॉफिन के लिड का ढक्कन टूट गया और कॉफिन के अंदर चला गया और मिट्टी ने जो बुरिस को चारों ओर से घेर लिया और ऊपर से 7000 किलो का वजन। अब जाकर वो जिंदा दफन हो चुका था। दर्शक जल्दी से एक्शन में आए और उन्होंने अपना पूरा जोर लगा दिया, लेकिन मिट्टी और सीमेंट हटाने में उन्हें करीब 30 मिनट लग गए और जब जो बुरिस मिला तो वो पहले से ही मरा पड़ा था। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि जो बुरिस ने प्लास्टिक कॉफिन की स्ट्रेंथ को कुछ ज्यादा ही आंक लिया था, लेकिन सीमेंट का वेट मिट्टी के वेट से ज्यादा निकला। जो बुरिस ने उस कॉफिन को सिर्फ रेत पर ही टेस्ट किया था, उसने जब इस स्टंट को रेत के अंदर किया था तो ये काम कर गया। लेकिन जो ने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि सीमेंट नीचे से ऊपर की ओर सूखता है, इसलिए भले ही वो 3 फीट रेत को पार कर लेता जो कि जस्ट कॉफिन के बाहर थी, लेकिन वो सीमेंट के लेयर को पार ना कर पाता। वैसे भी ये स्टंट फेल ही होना था। ये स्टंट स्टार्टिंग से ही एक सुइसाइड मिशन था, लेकिन जो बुरिस इतना कॉन्फिडेंट था कि वो उसे करना ही चाहता था तो उसे भी किसी ने नहीं रोका। He thought Houdini was one of the great escape artists. And he wanted to be better than Houdini. अब जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ उसे सुन आप भी हैरान हो जाओगे। जो बुरिस एग्जैक्टली हुडिनी की 64वीं डेथ एनिवर्सरी पर मरा था। जो बुरिस हुडिनी तो नहीं बन पाया, लेकिन अब उसकी और हुडिनी की डेथ डेट सेम जरूर थी।